वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो यार आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोर्टुगल की जो गेम थी अगेंस्ट टर्की के वॉर, उन्होंने काफी कन्विंसिंगली वो गेम जीती, तो उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा बार्सिलोना से रिलेटेड कुछ न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट चल रही है वो भी डिस्कस करेंगे, और ऑफकोर्स अब रोनाल्डो की जो सेल्फलेस अप्रोच रही है एक असिस्ट के बारे में उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले पोर्टुगल वर्सेस टर्की की गेम की बात कर लेते हैं। तो यार देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग इस टूर्नामेंट की तीन बहुत ही अगर आप कहो फेवरेट टीम्स, वो तीन टीम्स थी उसमें, पोर्टुगल की टीम, इंग्लैंड और फ्रांस की टीम्स जो हैं वो आती हैं। अगर आप बेंच स्ट्रेंथ की बात करो और प्लेयर्स की अगर आप बात करो, तो उसकी रीज़न ये है कि इनके पास इतना इतना टैलेंट पड़ा हुआ है कि इनके बेंच के ऊपर भी एक पूरी टीम बैठी हुई है। आप बेंच की टीम को उठाकर आप खिला दोगे तो वो भी किसी भी टीम को हरा सकती है। और पहले मैचेस में इनकी इन तीनों टीम्स की परफॉर्मेंसेस बहुत ही ख़राब रही, स्पेशली इंग्लैंड की टीम तो दूसरे मैच में भी अच्छा नहीं खेली, और फ्रांस का मैच जो अगेंस्ट नीदरलैंड्स हुआ था वो भी कोई खास नहीं था। तो पोर्टुगल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़रें लगी हुई थी कि पहला एक बुरा गेम अगेंस्ट चेक रिपब्लिक के खिलाफ खेल कर क्या वो सेकेंड गेम में कम बैक कर पाएंगे। देखें पहला गेम काफ़ी लकी रही है पोर्टुगल की टीम के, दोनों गोल डिफेंसिव एरर की वजह से उनको मिले थे। तो अब जो ये वाला गेम था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और यहाँ पर सिर्फ मैच जीतना ज़रूरी नहीं था, ये भी देखना ज़रूरी था कि कलेक्टिवली ये टीम कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। और रोबर्टो मार्टिनेज ने कुछ चीज़ों को फिक्स किया जिसके बाद टीम काफ़ी बेहतर खेली। कैंसिलो को लेफ्ट से राइट बैक की तरफ ले गए, और उसके अलावा कलेक्टिवली भी टीम अच्छी लगी, तालमेल अच्छा था, पासिस इनके अच्छे थे, और टीम काफ़ी इम्प्रूव नज़र आई। और अब ये टीम ऐसी लग रही थी इस गेम के बाद से कि यार इस टीम में जो है वो अब जान है, और ये टीम जो है वो डीप इन द टूर्नामेंट जा सकती है, और वन ऑफ द फेवरेट अगर इनको टूर्नामेंट से पहले कहा गया था तो ऑब्वियसली वो किसी वजह से ही कहा गया था। तो देखिए अभी अगर इन तीन तीन बड़ी टीम्स जिनका मैंने आपको नाम दिया, टैलेंट वाइज इंग्लैंड, फ्रांस और पोर्टुगल, तो अभी तक जो इन्होंने दो दो गेम्स खेली ना उसमें से पोर्टुगल की टीम काफ़ी अच्छी टीम लगी है दूसरी गेम के हिसाब से। और देखो टर्की का गेम भी कोई इतना बुरा गेम नहीं रहा था, टर्की एक डिसेंट टीम थी जिससे उन्होंने अपना पहला गेम जीता था, तो ये गेम इतना आसान नहीं था, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 3-0 से जो है ये गेम जो है वो पोर्टुगल जीत जाएगा। लेकिन बात यह है कि टर्की ने अपने चांसेस को अवेल नहीं किया, आर्दा गुलर इंजर्ड रहे, थोड़े से फटीग थी उनको, तो वो भी मतलब उनको भी जो है वो पूरा मैच वो नहीं खेल पाए हैं। लेकिन जो भी है बात यह है कि पोर्टुगल ने अपने चांसेस अवेल किए, और एक ओन गोल जिसकी वजह से वहाँ पर गेम ऑलमोस्ट किल हो गई थी, तो ये सारी चीज़ें तो साथ साथ चली हैं। और उसके अलावा यार देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रोनाल्डो की जो बात हो रही है इस टाइम के ऊपर कि रोनाल्डो सेल्फलेस, और ये देखो यार रोनाल्डो कुछ भी करे ना तो वो एक हाइप बन जाती है और उसके ऊपर न्यूज़ बनना शुरू हो जाती है। और रोनाल्डो ने पिछले मैच में अगर आप देखो तो उनका पिछला गेम भी बहुत अच्छा गेम था, इस एज के अंदर जिस तरह वो कनेक्टिविटी लेकर आ रहे हैं, जिस तरह से वो टीम के लिए जान मार रहे हैं, वो प्रेस करने में भी हेल्प कर रहे हैं और स्पेसेस क्रिएट कर रहे हैं बिटवीन द लाइंस, वो जो है वो स्पेसेस क्रिएट कर रहे हैं, तो यार ये चीज़ें बहुत अच्छी जो हैं उनकी नज़र आ रही हैं। और इस एज में आकर वो बंदा जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है, अब देखो यार उस बंदे के चैंपियंस लीग में आप देखो हाईएस्ट गोल्स और हाईएस्ट असिस्ट हैं उसके, उसके अलावा अब यूरोस में भी छठा यूरो वो खेल रहे हैं, अपना हाईएस्ट गोल्स और हाईएस्ट असिस्ट उनके हो चुके हैं। अब कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि यार वो जो है क्या कहते हैं पास उन्होंने इसलिए खिला दिया क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं थे कि वो गोल, यार ये चीज़ें इतना कहने वाली बातें हैं। देखो इतनी हाइप रोनाल्डो की क्रिएट हो जाती है कि पिछले गेम में उन्होंने एक जेस्टर पास किया था एक गोलकीपर को जब दूसरा गोल स्कोर किया था पोर्टुगल ने, कि वहाँ पर बात ये हो रही थी कि जी एक लीडर है और उसने जाकर इस तरह से किया, यही चीज़ कोई और कर रहा होता तो उसको शायद क्रिटिसिज्म मिल रहा होता, ठीक है। और यहाँ पर मतलब आप देखो कि मीडिया किस तरह से अपने आप को पोर्ट्रे करता है, किस तरह से वो रोनाल्डो के नाम से जो है वो मतलब आप ये कह लो कि वो लाइक्स उनको मिल जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उनको व्यूअरशिप मिल जाती है रोनाल्डो का नाम नेगेटिविटी में यूज़ करके या पॉजिटिविटी में यूज़ करके, तो ये चीज़ें जो है बहुत देखने वाली होती हैं कि किस तरह जो है रोनाल्डो और मेसी ये दोनों जो हैं भाई मतलब इन लोगों के ऊपर जो है वो पूरे पूरे मीडिया हाउसेज जो हैं वो कमा रहे हैं बैठ के। तो
तो ये चीजें जो हैं वो ये चलती रहेंगी, और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस एज के अंदर भी दोनों परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और हमें ये इंजॉय करना चाहिए। और आई होप कि अर्जेंटीना और पोर्तुगल जो है वो डीप इन द टूर्नामेंट्स जाएं, और हम लोगों को जो है वो हो सकता है कि दिस इज देयर लास्ट डांस, और ये लास्ट डांस में हमें जो है वो बहुत अच्छी अच्छी जो है परफॉर्मेंस दोनों की तरफ से, एक यादगार परफॉर्मेंस देखने को मिले। अच्छा, इसके अलावा बार्सिलोना से रिलेटेड जो है अपडेट्स वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। पहली चीज़ तो ये कि चावी सेमन के बारे में कुछ खबरें आ रही हैं, और फैब्रिजियो रोमानो ने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया है कि भाई चावी सेमन और बार्सिलोना का जो इस वक्त वो बात चल रही थी वो इस वक्त काफ़ी ठंडी हो चुकी है। उसकी रीज़न ये है कि पिछले जब चावी चावी हमारे चावी जो कोच चावी थे जब वो थे तो उस टाइम पर चावी सेमन एक हॉट टॉपिक था बार्सिलोना में, लेकिन अब क्योंकि दूसरे क्लब से बीच में शामिल हो चुके हैं उनको बाय करने के लिए, तो अब काफ़ी जो है वो ठंडा काम हो गया, और बार्सिलोना की प्रायोरिटी में भी इस वक्त चावी सेमन नहीं है। दूसरी चीज़, बर्नार्डो सिल्वा भी जो है वो उनका केस क्लोज हो चुका है, बार्सिलोना उनको साइन करने नहीं जाएगा ऑब्वियसली बार्सिलोना के फाइनेंशियल कंडीशंस। दूसरी चीज़ के 30 जून बिल्कुल आई खड़ी है, 30 जून के ऊपर जो है वो जो रिलीज क्लॉज था वो 15 मिलियन का बार्सिलोना के लिए स्पेशली, अगर वो बार्सिलोना एक्टिवेट नहीं करती तो ऑब्वियसली फिर मैनचेस्टर सिटी ज़्यादा पैसा मांगेगी जो कि बार्सिलोना पे नहीं कर सकेगी। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चले जाऊँ कि बार्सिलोना को अभी दो चीज़ें एक हफ्ते के अंदर अंदर ख़त्म करनी है 1:1 के ऊपर आने के लिए, एक नाइकी की डील साइन करनी है, और दूसरा जो आपको बार्सिलोना का स्टूडियो है उसके ऊपर जो है वो जल्दी से काम करना है। ये दो चीज़ें अगर बार्सिलोना कर लेती है तो 1:1 पे आने के लिए बार्सिलोना को बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो जाएगा, और फिर बार्सिलोना 1:1 पे आ जाएगी। लेकिन फिलहाल खबर ठंडी वंडी चल रही है, कोई खास खबर आ नहीं रही इस हवाले से, तो पता नहीं क्या कुछ चल रहा है, लेकिन आई होप कि बार्सिलोना इसको अचीव कर ले और फिर बार्सिलोना ट्रांसफर मार्केट में थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट जो है वो कर सके। निको विलियम्स की खबर आ रही है भैया, निको विलियम्स के बारे में देखो रोज ही खबर चल रही होती है, कभी लुइस डियाज कभी निको विलियम्स। अब निको विलियम्स से पूछा गया, उन्होंने कहा जी अब मैं रिसेंटली मैंने बिलबाओ के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अपना साइन किया है तो आई एम हैप्पी देयर, और ये सब चीज़ें जो कि एक फॉर्मल एक बात हो रही होती है। लेकिन बार्सिलोना के सोर्सेज ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि निको विलियम्स जो है वो बार्सिलोना की प्रायोरिटी में है और बार्सा उनको साइन करना चाह रही है। या भाई अगर करना चाह रही है तो जल्द से जल्द करो, जो भी है वो मेरे ख्याल में तो यही है कि अब यूरोज खत्म होंगे तो उसके बाद ही सारी सिचुएशन क्लियर होगी, और बार्सिलोना की फाइनेंशियल सिचुएशन मैंने आपको जैसे बताया कि 1:1 के ऊपर आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बार्सा को, और देखो यूरोज के बाद ही चीज़ें जो है वो क्लियर होना शुरू होंगी। और 1:1 का तो आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि वो आप बार्सा को 30 जून से पहले पहले उसके लिए कुछ स्टेप्स लेने हैं, वो आपको लेने ही पड़ेंगे, अदरवाइज बार्सा के लिए प्रॉब्लम्स होंगी। और मैं आपको वही बात करता हूँ कि यार बार्सा कुछ करे ना करे लेकिन दो साइनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक लेफ्ट विंगर और एक सीडीएम पोजिशन, ये दो साइनिंग बार्सिलोना को करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा यार फ्रेंकी डियोंग की न्यूज़ चल रही है कि फ्रेंकी डियोंग कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, उनको जो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा हाई है। और अरोहो के बारे में पिछले दिनों खबर आ रही थी एक दो दिन पहले के, अरोहो जो है उनके जो उनका कैंप है वहाँ से ये खबर आ रही है कि वो बार्सिलोना में रहना चाहते हैं, लेकिन अब अरोहो से पूछा गया क्योंकि उन कल को गेम है यूरोगाय के साथ, यूरोगाय का गेम है, तो वहाँ पूछा गया कि आप बार्सिलोना के कॉन्ट्रैक्ट पे आपके बारे में आप क्या सोच रहे हैं उसके बारे में, तो उन्होंने बोला कि भाई अभी मैं कोपा अमेरिका के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। तो यार अब ये सारी सिचुएशन जो है वो चल रही है, तो फ्रेंकी डियोंग और दोनों को बार्सा ने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ लेकिन दोनों की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ये रिस्पॉन्स आएगा तो पता लगेगा कि भाई क्या करना है, अदरवाइज बार्सा को इनको मार्केट में डालना पड़ेगा और सेल करना पड़ेगा। ये थी अब तक की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।